हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर से हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ऐसा जो है कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं और वहां पे अकाउंटिंग का बेसिक भी इन्वॉल्व है, तो ये टॉपिक जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से कवर कर सकता है। और वहीं अगर आप कोई बीकॉम या अलग कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 12th 11th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये जो है टॉपिक आपका इंक्लूड हो सकता है। सबसे पहले बात, बेसिक टॉपिक है तो 11th में आएगा, 12th में आने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक ही बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ही। कैसा क्वेश्चन बनेगा? शॉर्ट नोट बन सकता है कि अकाउंटिंग का जो है आपका अकाउंटिंग एंटिटी जो एजम्पशन है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, तो ये बात यहाँ पे पूछी जा सकती है। उसके अलावा इसका जो है बहुत कम चांसेस हैं कहीं और दिखने के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन, यानी कि जब आप अकाउंटिंग करते हो तो कुछ ऐसे आपके अजम्पशंस होते हैं जो आपको लेकर के चलने पड़ते हैं। उनमें से एक अजम्पशन आपका है द अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन, यानी कि ऐसा अजम्पशन जहाँ पे आप क्या करते हो कि एंटिटी को एक अलग रूप से देखते हो। जैसे कि आपका कोई बिजनेस है और जो बिजनेस मैन है, यहाँ पर आप देखिए, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, मिस्टर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ही मान लेते हैं हम, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, और इसके प्रोपराइटर हैं हमारे मिस्टर गड़ा, ठीक है, मिस्टर गड़ा, तो ये इनके प्रोपराइटर हैं, ठीक है, ये इनके प्रोपराइटर हैं और ये बिजनेस है। अब इस अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन के तौर पे ये बोला जाता है कि जब आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करोगे तो अपने जो मालिक है, अपना जो प्रोपराइटर है, उसको एक अलग एंटिटी के तौर पे देखोगे और ख़ुद को एक अलग एंटिटी के तौर पे देखोगे, यानी कि इसका अलग अस्तित्व होगा और इसका अलग अस्तित्व होगा। यहाँ पर दोनों का जो है अलग अलग अस्तित्व रहेगा, ये मान करके यहाँ अकाउंटिंग की जाएगी। अब कई लोग पूछते हैं यार हमें इससे करने का मतलब क्या है, इसको अलग सोच करके चलने का मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि बिजनेस शुरू होते ही इसने कुछ ना कुछ अपना पैसा लगाया होगा। हो सकता है बिजनेस जब चालू हो रहा है या काम कर रहा है या कैरी ऑन हो रहा है, उस टाइम पे भी ये व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ पैसा उस बिजनेस में लगाएगा और ये पूरा का पूरा ये इच्छा रखेगा कि वो पैसा मुझे वापस मिलेगा आने वाले कल में या आने वाले टाइम में, विद प्रॉफिट मुझे वो पैसा वापस मिलेगा। तो इसीलिए इसने कोई भी पैसा लगाया है तो ये यही आशा कर रहा है कि वो बिजनेस ये पैसा उसको वापस लौटाएगी, तो इसलिए इसको अलग तौर पे देखा जाता है और इसके द्वारा दिया गया पैसा एज अ लायबिलिटी देखा जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा उस प्रोपराइटर को वापस करना पड़ेगा और जो पैसा आपको कल को वापस करना है वो क्या होती है, वो आपकी हो जाती है लायबिलिटी। तो एज अ लायबिलिटी इस पर्सन को देखा जाएगा, इसका जो कैपिटल होगा उसको एज अ लायबिलिटी देखा जाएगा क्योंकि बिजनेस ने वो पैसा इसको वापस करना है। और यही सोच करके बिजनेस अपनी अकाउंटिंग करेगा कि इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगी तो हम अलग से रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं मानेंगे कि ये अपना ही बंदा है तो अपना बंदा अपने बिजनेस में लगा रहा है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी और ये देख करके की जाएगी कि ये एक अलग सेपरेट चीज़ है और ये एक सेपरेट बिजनेस, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी के तौर पे इसको देखा जाएगा। तो थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट द बिजनेस इज एन एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अज्यूम किया जाता है कि जो बिजनेस है वो एक एंटिटी है जो कि डिफरेंट है, किससे, अपने ऑनर से, जो उसका ऑनर है उससे डिफरेंट है। All business transactions are recorded in the books of the business from the point of view of the business and not from the point of view of the proprietor. अब क्या बोला गया है कि business के जितनी भी transactions हो रही हैं, जितना भी लेन देन हो रहा है, उसको record किया जाएगा किसके point of view से देख करके, business के point of view से देख करके, ना कि जो है proprietor के point of view से देख करके। अब इसका भी example ले लेते हैं। ये जो है electronic shop है, ये जो है एक आपका business है और ये इसके proprietor है। अब इस business ने क्या किया था, एक party थी, मिस्टर मान लो छड़ा ले लीजिए, मिस्टर छड़ा, ये एक पार्टी थी। इसने क्या किया, यहाँ से कुछ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो लिए, उधार पे लिए। अब इसने क्या करना है, इसको चेक देना है, इसने क्या करना है, इसको चेक देना है। तो इसने क्या किया कि वो चेक दे दिया जेठालाल को कि भाई तेरा ही बिजनेस है तो मैं तेरे को चेक दे रहा हूँ। तो अब ये क्या करेगा, जो बिजनेस है इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा कि चेक मुझे मिला है और किससे मिला है, छड़ा से मिला है, क्योंकि हमने इसको जो है पहले कुछ पेमेंट दी हुई थी
हमने जो है या फिर पहले कुछ उसको सामान दिया हुआ था उधार पे, तो ये उसका पेमेंट मिला है, ना कि ये ऐसा करेगा कि ये जो है ये पार्टी मुझे आकर के, यानी कि मेरा प्रोपराइटर आके दे रहा है तो प्रोपराइटर के नाम पे चढ़ाएगा, नहीं, ये देखेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ देखेगा, ना कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको चेक मिला या ये वो, नहीं, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ें देख करके रिकॉर्ड करेगा। इवन द प्रोपराइटर इज ट्रेटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। अब क्या है यहाँ पे हो सकता है प्रोपराइटर क्या कैसे ट्रीट हो रहा हो, एज अ क्रेडिटर ट्रीट हो रहा हो, क्योंकि उसकी जो कैपिटल है उसके एक्सटेंट तक, जैसे बिजनेस शुरू हुआ, इसने अपना जो है कैपिटल लगाया 1,00,000 रुपये, ठीक है, बिजनेस के चलते चलते इसने 50,000 रुपये और लगा दिए, तो टोटल कितना हो गया 1.5 लाख रुपीज़। तो ये जो 1.5 लाख रुपीज़ है इसको एज अ क्रेडिटर भी देखा जा सकता है, क्योंकि आपने इसको पेमेंट देनी है, क्योंकि क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, कैपिटल भी लाइबिलिटी है, तो एज अ क्रेडिटर भी आप इसको क्या है ट्रीट कर सकते हो, प्रोपराइटर को इवन इसकी तरह भी ट्रीट कर सकते हो। देयरफॉर द फर्म अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द प्रोपराइटर। और इसीलिए क्या होता है, जो भी कैपिटल जो प्रोपराइटर ने बिजनेस में लगाई है उसके जो है ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उसके लिए जो है ले सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर, जो कैपिटल इसने उस बिजनेस में लगाई है, एम्प्लॉय कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर राम स्टार्ट्स अ बिजनेस विद द ₹10,000 इन कैश, देन मिस्टर राम विल बी अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म टू एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। यानी कि मिस्टर राम है जिन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, 10,000 रुपये कैश लगाए, अब वो 10,000 रुपये जो कैश लगाए हैं वो राम क्या है एज अ क्रेडिटर है फर्म के लिए, क्योंकि फर्म ने उसको वो पैसा देना है, तो जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतने अमाउंट के तहत उसको एज अ क्रेडिटर देखा जा सकता है, और इसीलिए उस अमाउंट पे उसको क्या है सच अमाउंट जो है इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस एंड सच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। Similarly, when he withdraws some money and goods of his personal use, it will be debited to his personal account, capital account. यानी कि जब आपने पैसा लगाया है तो आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट पे। अब क्रेडिट क्यों होगा ये देखिए, जब भी आपकी देनदारी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ती है तो क्या होता है क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ पैसा मिला हुआ था, तो उस पैसे से आपने क्या किया अपना बिजनेस चलाया, तो वो जो कैपिटल आपको मिला हुआ था वो कैपिटल आपने कल को लौटानी है, तो यानी कि आपकी लायबिलिटी है, तो जब भी कैपिटल बिजनेस में लगेगी तो वो क्या हो जाएगी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या किया जाता है क्रेडिट किया जाता है। वहीं पे जब आपने उनके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगा दिया तो इट मींस अब आपने जो है वो कैपिटल तो देनी ही देनी है, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लगा है वो भी पार्टी को देना है, वो भी प्रोपराइटर को देना है, तो यानी आपकी देनदारी और बढ़ गई, तो जब देनदारी और बढ़ गई तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा दोबारा क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या किया जाता है क्रेडिट किया जाता है। वहीं अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है, ड्राइंग की है, तो उस ड्राइंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आपने पैसा निकाला तो ड्राइंग की है, वो पैसा निकालना विड्रॉ करने को ड्राइंग कहा जाता है और उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब पैसा निकाला है ये लेकर के चला गया तो पैसा तो ये यूज़ कर रहा है तो इंटरेस्ट यही देगा, प्रोपराइटर देगा, तो इसीलिए इसके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, जब यहाँ पे आपकी एक तरीके से इनडायरेक्ट कह लीजिए कि आपको यहाँ से थोड़ा इनकम मिल रहा है तो वो क्या किया जाएगा यहाँ पे आपका डेबिट कर दिया जाएगा उसके अकाउंट में, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ये क्या किया जाएगा डेबिट कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इससे उसकी उसको जो आपने पैसा देना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पूरा अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन लेकर के चलते हो और अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो सारी एंट्रीज, जहाँ पे आप अपने प्रोपराइटर को अलग देखते हो और बिजनेस एंटिटी को अलग तरीके से ट्रीट करते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।